हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं थोड़े अरसे से गायब चल रही थी, इसलिए कि आई हैड नथिंग हैपनिंग इन माय लाइफ। अ लॉट वाज हैपनिंग इन माय लाइफ। मेरे ऑफिस की रूटीन और ऑल द इंटर्नशिप्स एंड ट्यूशन वगैरह, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, विच वॉज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ माइंड। और मेरे पास ऐसा कोई कॉन्टेंट नहीं था कि मैं पोस्ट करूँ। आई एम जस्ट चेकिंग इफ आई लुक गुड। हम लोग सोच रहे होंगे कि आज कैसे फोन उठा लिया। असल में हुआ ये, आज मंडे है और 9:30 का टाइम है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जाने का क्या मकसद है? अच्छा, मकसद ये है कि सिंस आई एम अबाउट टू हैव माई कॉन्वोकेशन, तो उसके प्रोसीजर्स चलाने यूनिवर्सिटी जाके। ऑफिस साइड मैंने ऑफ किया ताकि आई कुड कवर दिस वर्क। मुझे सीन ये है कि अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद भाग के निकलेंगे, बैंक जाएंगे या यूनिवर्सिटी जाएंगे, वो रास्ते में डिसाइड करेंगे क्या चीज नजदीक पड़ रही है। और उसके बाद वी विल मीट उम्मे या वी विल मीट उम्मे। जाके तैयार होते हैं बिकॉज मैंने मिसमैच हिजाब पहना। आई नीड टू चेंज माय हिजाब एंड देन आई नीड टू गेट रेडी एंड देन आई नीड टू हैव ब्रेकफास्ट, देन आई विल गो आउट एंड देन आई हैव टू गो टू द पेट्रोल पंप। कोशिश मेरी ये है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूटी ले जाऊँ, प्रोसीजर्स वगैरह हों वो हम लोग स्कूटी पे करें, क्योंकि भाग दौड़ बहुत है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट। तो अल्टीमेटली आई विल ट्राई कि मेरी यूनिवर्सिटी स्कूटी में जाने दी जाए। वाह, मेरी स्कूटी को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने दिया जाए। नाउ लेट्स सी मैं कितनी लकी हूँ आज। तो आपको साथ साथ रखेंगे। सी दिस इज अ वेरी पैथेटिक एंगल, लेकिन अभी मैं कैमरा इसी तरह सेट कर सकती हूँ। सो हेयर इज अ स्मॉल ट्यूटोरियल ऑफ माय डेली हिजाब। आपने इसको सेट किया है, एक साइड छोटी एक साइड लंबी, नाउ यू हैव कैप, क्योंकि इससे आपका हिजाब स्लिप नहीं करता। वहां से आपने पिन किया, उसके बाद यू हैव टू कनेक्ट फ्रॉम हेयर। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम स्किन एक्सपोज करूँ टूडे, कम स्किन एक्सपोज करूँ, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी जाना है। And I'm not in the mood of getting tanned again. ऐसे आपने अपना पल्लू उठाया, इस पल्लू को आपने डाल देना है ऐसे, आगे से आपने सेट किया, यहाँ से आपने कॉट, यहाँ से डालने का मकसद ये है कि हिजाब थोड़ा सा सिमट जाए, अदरवाइज वो बहुत फैला फैला बिखरा बिखरा होता है। ठीक हो गया जी, तो आपका ये हो गया। पीछे से आपने इसको यू कर लिया, आगे से आप यू कर लो, देन यू विल नीड टू मोर पिन्स ताकि आप इसको पिन अप कर लो। दिस इज हाउ यू डू योर हिजाब, डेली रूटीन का हिजाब। तो हो गया सिंपल एंड इजी। दिस इज हाउ योर हिजाब विल लुक आफ्टर गेटिंग रेडी डिसेंट। आई मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, और बस अब निकलने की करेंगे, उससे पहले दूध पी लेंगे। आई थॉट ऑफ हैविंग नाश्ता, लेकिन मेरा पता नहीं दिल नहीं किया। देयर इज समथिंग विद सुबह सुबह मुझे नाश्ता नहीं किया जाता, जनरली नहीं किया जाता, और ये अभी की बात नहीं है, इट्स बीन लाइक दिस सिंस माय स्कूल लाइफ। तो मैं नाश्ता नहीं करती सुबह का। ऑफिस जब स्टार्ट हुआ तब मैंने थोड़ा करना शुरू किया कि यार थोड़ा सा आसरा हो जाए, अदरवाइज सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। वन मोर थिंग, आज हम लोग पहन करेंगे शूज, क्योंकि जो मेरे पंपीज हैं जो कि वहाँ पड़े हुए हैं, इफ यू गाइस कैन सी, वो जो मेरे पंपीज हैं आई कैन नॉट वेयर दैट, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्सिटी में ख्वारी बहुत होनी है। यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी हूँ और अभी पेट्रोल पंप जाना है आज। आई थिंक गर्मी होगी, तो लेट्स सी, मुझे नहीं पता क्या सीन होगा, और मुझे लग रहा है मैं भूल रही हूँ कैसा होना ही चाहिए, वरना आज का दिन मेरा यूजलेस हो जाएगा। बोला कि मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ, मुझे याद आया मैंने हैंडस्क्रीन नहीं लिया। अब हम वापस घर जाएंगे। Look who I found! मैं ये ब्लॉग में नहीं डाल सकती। बैंक का काम हमारा हो गया, अब हम दूसरा काम करवाने जा रहे हैं, उसके बाद लाइन से काम लगे हुए। ख्वारी फुल टिका के हो रही है, लेकिन कोई नहीं, एक दिन के लिए चलता है। गए हेलो, हाय गाइस, उम्मे हाउ इज इट? हम लोग अपना सामान वगैरह लेके वापस जाएंगे डिपार्टमेंट। ओ गॉड, नॉट अगेन, लिटिल वर्क डन। ये थक गई ऑलरेडी, इसकी तो बहुत ख्वारी लगी है।
कैसी कैसी हालत? क्या कह रही है? मैं मासी हूँ। तुम मासी हो? तुम मासी हो? बोला मैं मासी हूँ। Absolutely forgot इसका बर्थडे आ रहा है। ये क्या पता म्यूजियम में से 1 मिनट के अंदर अंदर वेरी पैथेटिक पीपल ऐसे। करो करो अब करो। इतने अरसे बाद मैंने अम्मी से पैसे मांगे। अलग लेवल के मसले हैं हमारे गाइस। मैंने इतने अरसे से पैसे नहीं मांगे हुए और मैं अब ना इस डिग्री के चक्कर में मुझे पैसे मांगने पड़े। मतलब अम्मा पैसे दे दी। सेल्फ रिस्पेक्ट फेंकी पहले, उसके ऊपर चढ़ के कुचलती। खैर जा रहे हैं थोड़ी सी खुआरी करने। अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हैपनिंग टुडे। सो या दैट इज व्हाट। गिव मी माय डिग्री ऑलरेडी। भाई डिग्री देके मुकाओ, अजीब खुआरियां करवाएंगे। व्हाइट हाउस जाए, फिर वहां जाए, फिर वापस आए, फिर वहां जाए। पर हो रही है भाई हमारी खुआरी फोटोकॉपी की। Exactly the same uncle. इतने कागजात हैं कि 3-4 जायदादें निकल जाएं। ये तुमने मुझे क्या बोला? नहीं होती तुम्हारी जिंदगी रे जिंदगी भर गम दिए मरिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? नहीं We have a lot of work to do. No boyfriend, no stress. तो तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड है। अल्लाह माफ करे, I am extremely single. क्या? सही किसको पहने में मार रही हो? तुम जलती हो मेरी सुपर पावर से। आ रहा है ऑनेस्टली न्यू के जलालत होगी, लेकिन इस लेवल की होगी मुझे वाकई अंदाजा नहीं था। हमने प्लान किया था कि आज सब निपटा के जाएंगे, लेकिन हमारा क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही नहीं इशू किया। हमारा क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम आगे कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अब हम लोग जा रहे हैं अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने। जब तक ये सारी चीजें साफ नहीं हो जाती, ऑफिस की बेइंतहा छुट्टियां लेनी पड़ेंगी और उसकी जलालत अलग। मतलब समझ रहे हैं आप? एग्जैक्टली बहुत ज्यादा यार। खैर गर्मी बहुत शदीद है, लेकिन हम लोग जाएंगे कुछ खाने पीने, बिकॉज नाश्ता वगैरह करके कोई नहीं आया था और इट हैज बीन अ पैथेटिकली फॉरी डे। So we are here for lunch. We are at 2GB. इतने गंदी शक्ल बनाकर तुमने बोला है। I don't wanna come here. She was the one who introduced 2GB to us. हाँ, because it was कभी-कभी आने के लिए ठीक है, हर वक्त नहीं बैठी रहती। हर वक्त नहीं, मैं दूसरी दफा आ रही हूँ। वो अलग बात है कि ये आती रहती है। So yeah, that's a different story. We're not talking about it now. खैर हमने ऑर्डर दे दिया, हमारा ऑर्डर थोड़ी देर में आने वाला है। खुआरी बहुत अच्छी खासी हो गई है। इट्स ऑलरेडी 3 something। अंकल लाइट्स ऑन करने वाले हैं। ओपन ओपन खोल खोल। आई वाज वेटिंग फॉर दिस, लेकिन हमारे बर्गर्स यहाँ आ चुके हैं एंड दिस इज सच अ प्रिटी बर्गर। मतलब भाई मेरा रूममेट का सेम है। हाउ इज इट? थैंक यू बैठ जाए। हाँ थैंक गॉड, व्हाट अ लक। Nothing about today now. I'm extremely tired. मेरे दादा को ऑफिस का काम करना है और बस। What? I swear I'm not kidding. लेकिन ये लिफ्ट खुद चल रही है। मैंने 1 और 2 दबाया हुआ है और ये
टू क्रॉस करके ऑल्दो मैंने अब मैंने कुछ भी नहीं दबाया. व्हाट इज रॉन्ग, आई नीड टू स्टॉप दिस. ये नहीं हट रही, ये ऊपर नीचे चले जा रही है खुद से. व्हाट इज रॉन्ग विद दिस लिप. सो आई हैड टू गो टू थर्ड फ्लोर और उसके बाद मैं नीचे जा रही हूँ. व्हाट अ प्लेजेंट डे इट वाज. आज के लिए इतना ही. प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और फिर हाजिर होंगे नए ब्लॉग के साथ. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.